हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती शाक्यवार आप सबका स्वागत करती हूं द इनसाइड हाउस पर। आज हम बनाएंगे करवा चौथ स्पेशल मीठी मठरी। वैसे तो मीठी मठरी कहीं पे भी मिल जाती हैं, लेकिन अपने हाथ की बनी हुई मीठी मठरी का बात ही अलग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मीठी मठरी बनाना। एकदम खस्ता सॉफ्ट और टेस्टी मीठी मठरी बनाएंगे हम। इसके लिए सबसे पहले हम परात लेंगे और इसमें मैदा ले लेंगे। ये मैं 300 ग्राम मैदा ले रही हूँ। 4 कटोरी लिया है मैंने छोटी वाली मैदा की। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर हम थोड़ी सी जगह करेंगे जिसके अंदर हमें ऑयल डालना है। फ्रेंड्स, रिफाइंड ऑयल, घी, जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं मोमन के लिए फ्रेंड्स। और मैंने 4 कटोरी मैदा लिया है तो मैंने 1 कटोरी मोमन ले लिया है ऑयल मतलब। और इसको अच्छे से हम मसल लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और इतना मिलाना है कि हमारा ना ये मुट्ठी बन जाए, बनने लग जाए ये हमारा मैदा। ओके फ्रेंड्स, देखिए इतनी, देखो ये मुट्ठी बन गई है मेरी और ये हमारा रेडी है इतना। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस मैदे का डो लगाएंगे फ्रेंड्स। और हमें इसे डो एकदम टाइट डो बनाना है, हमें पूड़ियों से भी टाइट डो रेडी करेंगे हम इसका। मोमन अच्छा डालेंगे तो हमारी ये मट्ठी या मठरी हम जो कुछ भी बनाते हैं तो वो एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनती है फ्रेंड्स। ये हमारे इस मोमन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हम डालते हैं और कितना नहीं। ये देखिए मैंने डो रेडी कर लिया है ये, और काफ़ी टाइट इसका डो लगाया है मैंने। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। ताकि इसकी पापड़ी ना जमे ऊपर। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसका आधा आटा ले लिया है मैंने और इसको लंबा कर लेंगे हम थोड़ा। हाथों से या आप चकले पे भी गोल गोल घुमा के कर सकते हैं। और इसके हम गोलियां तोड़ लेंगे, लोइयां तोड़ लेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा मोटी नहीं करनी है हमें, छोटी छोटी ही ज़्यादा तोड़नी है। ये देखिए इस साइज की हमें तोड़नी है। आप चाहे तो मोटी भी बना सकते हैं और पतली भी कर सकते हैं। अब मैंने एक चकला ले लिया है और इसको हम बेल लेंगे। बहुत ही आसानी से और आराम से बेल जाएंगी हमारी ये पूरी की शेप करनी है पहले हमें लेनी है। आप चाहें तो किसी और जैसे किसी ढक्कन वगैरह से आप इसका एक साइज़ की आप इनको पूड़ियों को कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया है। अब मैंने ये फोक ले लिया है और इससे इसमें हम निशान लगा देंगे और थोड़ा सा दबा देंगे जिससे कि ना ये हमारी फूलेंगी नहीं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, और ये मैंने ज़्यादा मोटी भी नहीं की है, ये दिखाती हूँ मैं आपको देख के। आप इन्हें मोटा भी बना सकते हैं और पतला भी बना सकते हैं। ये छेद जो किए हैं मैंने इनसे ये फूलेंगी नहीं। एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बिल गई हमारी पूड़ी। आप चाहें तो इसको गोल शेप में लाने के साथ को एक बराबर करने के लिए किसी ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है यूज़। आप चाहें तो कर सकते हैं। इसको भी फॉक से मैंने छेद कर लिए। ये देखिए, ये मैंने सारी की सारी बना ली है। ये देखिए, अब मैं कढ़ाई रख दी है मैंने गैस के ऊपर और इसमें ऑयल डाल दिया है तलने के लिए। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें एक एक करके हम 3 पूड़ियाँ डाल देंगे ऑयल में फ्रेंड्स। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो सही से सिक नहीं पाएंगी, तल नहीं पाएंगी। तो मैंने 3 पूड़ियाँ डाल दी हैं इसमें। अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। वैसे तो मीठी मठरी हम कभी भी खा सकते हैं किसी भी सीजन में, वो तो अपनी मन की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन करवा चौथ पर इसको ख़ास तौर से सरगी के लिए बनाया जाता है और बाज़ार से लाया जाता है फ्रेंड्स। सरगी में दी जाती है मीठी मठरी। अब ये एक तरफ से सिक गई हैं हमारी, अब इनको हम पलट देंगे फ्रेंड्स। और जब फर्स्ट करवा चौथ रखते हैं तो मायके से भी आती हैं ये मीठी मठरी, नमकीन मठरी, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है करवा चौथ पर। यह हमारे अच्छे से तल गई हैं फ्रेंड्स, देखिए। अब हम मठरियों को निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, कलर भी बड़ा अच्छा आया है इनका मठरियों का। इस तरीके से सारी मठरी तल लेंगे फ्रेंड्स। अब एक दूसरी गैस पर फैन रख दिया है मैंने और इसके अंदर चीनी डाली है मैंने
दो कटोरी चीनी लूँगी और इसके अंदर एक कटोरी पानी डाल देंगे हम। कटोरी उसी कटोरी का यूज़ कर रही हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। फ्रेंड्स, चीनी को घुलने देंगे पहले और चलाते रहेंगे लगातार। ये चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है, देखिए हल्का फुल्का रह गया है, वो भी घुल जाएगा अभी। ओके फ्रेंड्स, और इसकी हमें चाशनी बनानी है, वो भी एक तार की चाशनी हमें रेडी करनी है। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मैं ये इलायची डाल दी है कूट कर मैंने दो। ओके फ्रेंड्स, और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे और चेक भी करते रहेंगे कि हमारी चाशनी रेडी हुई है या नहीं हुई है। ये देखिए हमारा तार बन गया है फ्रेंड्स, और ये हमारी चाशनी रेडी है। इसको हम एक मिनट और पकाएंगे और फिर गैस को फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, गैस को मैंने बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए बबल्स आना बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। अब इसके अंदर हम एक एक करके मठरी लेंगे और इसके अंदर अच्छे से डिप कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से अच्छे से डिप करेंगे और फिर चिमटे की सहायता से हम इसे निकाल लेंगे इसमें से, और इन्हें फिर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरीके से ही सारी की सारी हमें डिप करनी है और चिमटे से निकालनी है साथ के साथ। ओके फ्रेंड्स, गरम गरम चाशनी में ही डाली जाती हैं। अगर चाशनी ठंडी हो गई तो फिर ये जम जाएगी चाशनी हमारी और पूड़ियों पे हमारी पे सही से लगेगी नहीं। फ्रेंड्स, सारी मठरी मैंने डिप कर ली है और ये रेडी हो गई। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी गर्म है हमारी मठरी, इनको ठंडा होने देंगे पहले हम। अब हमारी मीठी मठरी रेडी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।